नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा अवस्थी और आज के हमारे इस टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज का ये जो हमारा ट्यूटोरियल है, ये हमारे पिछले ट्यूटोरियल का पार्ट टू है। यानी कि आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर आप जो मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं डेल का, वो कौन सा है। यानी कि IPS टेक्नोलॉजी वाले मॉनिटर के बारे में हमने आपसे बात की थी और उसी टॉपिक पे आज हम आगे चलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। दोस्तों जैसा कि हमने आपसे बात किया था कि IPS टेक्नोलॉजी वाले मॉनिटर आपके लिए बेस्ट हैं, खासकर एडिटर्स के लिए, तो मैं आपको पहले ये दिखाता हूं कि मैं कौन से मॉनिटर यूज़ करता हूं और उसके बाद मैं आपको फिर बताऊंगा कि कौन सा मॉनिटर आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए मैं आज इस क्रम को थोड़ा उल्टा करने वाला हूं। सबसे पहले मैं ये दिखाता हूं कि ये जो मॉनिटर अभी मेरे हाथ में है ये कौन सा है और मैंने इसे क्यों लिया है, और फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैं इसे कब से यूज़ करता आ रहा हूं। मैं आपको अपना पूरा सेटअप दिखाऊंगा कि यहां किस तरीके से हम वीडियो एडिटिंग का हमारा सेटअप है और हमने उसमें जो मॉनिटर यूज़ किया है या फिर जो फोटोशॉप के लिए या फोटोग्राफी से रिलेटेड जो एडिटिंग है उसके लिए जो मैंने मॉनिटर यूज किया है जो डेल का है। और आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि भैया ये मॉनिटर का मॉडल नंबर बताइए, तो मैं आज वो सब चीज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं करता हूं इस बेनक्यू के मॉनिटर का अनबॉक्सिंग। और दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ये मॉनिटर जो है ये है GW2280, ये इसका मॉडल नंबर है और ये 22 इंची मॉनिटर है, 22 इंची LED IPS स्क्रीन वाला मॉनिटर है। तो आइए फटाफट मैं इसे ओपन कर देता हूं। दोस्तों ये है बेनक्यू का मॉनिटर और मैंने इसका मॉडल नंबर आपके सामने बताया, ये नीचे स्क्रीन में भी आपके डिस्प्ले हो रहा है इसका मॉनिटर का जो मॉडल नंबर है। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि ये है बहुत ही फ्लैट है और अच्छा अट्रैक्टिव है। इसकी अच्छी बात ये है कि ये बॉर्डरलेस है। इसमें अगर मैं देखूँ यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे बॉर्डर्स नहीं है, और अगर मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पोर्ट है ये दिया हुआ है 2 HDMI पोर्ट, इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है 1 VGA पोर्ट और साथ ही इसमें माइक और ऑक्स का भी पोर्ट दिया हुआ है। तो ये इसकी खासियत है, आप इसमें माइक और ऑक्स भी लगा सकते हैं, यानी कि ये बहुत अच्छा मॉनिटर है। साथ ही साथ ये IPS पैनल होने के कारण इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। और आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी क्वालिटी की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मॉनिटर है ये है बेनक्यू का ही और ये एक 24 इंची मॉनिटर है। इसका अगर मैं मॉडल नंबर आपको बोलूँ तो ये है VZ2350, ये भी बेनक्यू का ही मॉनिटर है और काफी अच्छा है, हम इसे कंटिन्यू यूज कर रहे हैं अभी। ये भी IPS मॉनिटर है, अगर आप इसमें फोटोज देख सके, फिलहाल तो हो सकता है आप उतने दूर से फोटोज ना देख पा रहे हो, बट यहाँ पे देखिए ये मॉनिटर नंबर 1, ये मॉनिटर नंबर 2 इधर है लाइन से। मैंने 3-4 जो मॉनिटर लगाए हैं वो बेनक्यू के ही लगाए हुए हैं। इसमें हम फोटो एडिटिंग के साथ साथ हम इसमें वीडियो एडिटिंग का काम भी करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा सॉन्ग भी एडिट हो रहा है, ये एक एल्बम का सॉन्ग है। और इसके अलावा आइए अब मैं आपको दिखाता हूं मेरे डेल का मॉनिटर जो कि आपने पूछा था। और दोस्तों आप डेल का मॉनिटर लें या LG का लें या फिर आप बेनक्यू का लें, आप कोई भी IPS टेक्नोलॉजी वाला मॉनिटर लें वो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बट मैं बेनक्यू का मॉनिटर आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूं ये मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपका जो क्वेश्चन था कि सर आप जो मॉनिटर यूज करते हैं डेल का वो कौन सा है वो आप पहले देख लीजिए। आइए देखते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के पूछने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये मॉनिटर है डेल का IPS टेक्नोलॉजी वाला मॉनिटर है और ये मैंने लिया था तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले। और अगर मैं इसके मॉडल नंबर की बात करूँ तो इसका मॉडल नंबर है S2240LC S2240LC। ये एक 23 इंच का मॉनिटर है और आप देख सकते हैं कि इसमें जो फोटो है अगर आप किसी भी एंगल से देखें, कैमरे पर तो आप नहीं देख पा रहे हैं बट मैं यहाँ पर जो आपको बोल रहा हूँ वो एकदम फैक्ट है कि अगर मैं इसे किसी भी एंगल से देखता हूँ तो इसमें फोटो बहुत ही एक्यूरेट दिखती है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ इसमें ही फोटो एडिटिंग करता हूँ और वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फोटोशॉप में ही ये फोटो ओपन है और आप किसी भी एंगल से इसे देखें तो आपको फोटोज एक्यूरेट दिखाई देगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप किसी भी एंगल से देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों मेरा डेल का मॉनिटर। और आइए अब हम बात करते हैं बेनक्यू के मॉनिटर जिसके बारे में मैंने आपको बताया उसके प्राइसिंग। तो दोस्तों ये थे आज के मेरे बहुत सारे मॉनिटर और आई होप आपको जो पसंद आया आप डेफिनेटली वो लें। आप चाहें तो डेल का मॉनिटर लें, आप चाहें तो LG का लें, आप चाहें तो बेनक्यू का लें। मैं बेनक्यू के मॉनिटर इसलिए पसंद कर रहा हूं क्योंकि ये प्राइस वाइज कम है और अगर मैं इसके वारंटी की बात करूं तो ये 3 ईयर वारंटी के साथ मुझे आ रहे हैं और बाकी के जो मॉनिटर हैं वो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने ये 2 साल पहले लिया हुआ
हुआ था, और अभी की अगर मैं बात करूं तो ये 3 साल वारंटी के साथ आ रहा है और वो शायद 1 साल की वारंटी के साथ आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूं तो ये मॉनिटर अगर आप ऑनलाइन जाकर देखते हैं तो तकरीबन ये 7,999 रुपए की प्राइसिंग में आता है, और मैंने इसे लोकल मार्केट से परचेस किया। अगर आपके लोकल मार्केट में ये अवेलेबल हो तो आप इसे ले सकते हैं, अदरवाइज आप किसी भी ब्रांड का मॉनिटर ले सकते हैं। बहरहाल मेरा इंटेंशन ये था कि आपका काम भी बहुत अच्छे से होना चाहिए और आपके पैसे भी बचने चाहिए। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड मैं यहीं पे क्लोज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि अगला जो टॉपिक है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक बहुत ही कंफ्यूजन भरा है, बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है कि सर मैं कौन सा गिम्बल लूं, रॉनिन एस लूं या XYZ, या फिर लोग बहुत सारे गिम्बल लेके ये टेंशन में आ गए कि उसमें कैसे सेटिंग होगी, क्या होगा। तो अगला जो टॉपिक होगा मेरा उसी पे होगा। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक देखना ना भूलिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। आपके इतने सारे प्यार के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।